Good morning. Avem uite, iar o voi mică în engle. Idar meri mami, idar meri chotu sister. हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है माता वैष्णो देवी के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सारे लोग यानी कि मेरे मम्मी पापा मेरी बहन हम सारे लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी कटरा। तो इस वीडियो में मैंने अपने तरफ से पूरे ट्रिप को कवर करने की कोशिश की है, घर से निकलने से लेकर घर पहुँचने तक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पूरी वीडियो देखना और आपको आई एम श्योर अच्छा लगेगा। आपको माता रानी के दर्शन करने को मिलेंगे एंड इसके साथ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। तो पटना में उस वक्त थोड़ी ठंडी थी, हल्की फुल्की, और हम लोग सब लोग मॉर्निंग में निकले थे। मॉर्निंग सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे, इसलिए मैंने हल्का सा एक जैकेट पहना है एंड ये सारा सामान हो गया। अभी जस्ट हम लोग घर से निकलेंगे एंड देन हम लोग जंक्शन जाएंगे एंड वहाँ पर हमारी ट्रेन है 10 बजे, जो ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे डायरेक्ट जम्मू तवी। तो चलो आगे का सफर हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग जुड़े रहो पूरे वीडियो में और एंजॉय करो। हाँ, सबसे ज्यादा हैवी तुम्हारा ही है। ये मेरा है और ये मेरा है, इसी बैग में और एक हैंड बैग नहीं है उधर, वो भी ले लेना। ये बैग भी कहीं रखी देता है ना, नहीं पर्स टांग लो, देखो ना चश्मा बचा के दे। इस चश्मा का लगता है जाना लिखा हुआ है, कल से 2-3 बार गिरा है। न्यू लेने का मन होगा। कहाँ रखें इसको? पापा वाले मम्मी से। अरे नहीं, वो जहाँ रख देंगे फिर। हाथ ही में रखे रहो ना, नहीं तो हाथ में दिक्कत देगा, ये सब भी तो है। तो हम लोग पटना जंक्शन में ट्रेन पर बैठ चुके हैं और ये ट्रेन है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो हावड़ा से खुलती है एंड जम्मू तवी तक जाती है। तो ये डायरेक्ट ट्रेन है हमारी पटना से, जो 10 बजे जिसकी टाइम है यहाँ पर। तो हम लोग ट्रेन पर बैठ गए हैं एंड हमारी जर्नी अच्छी खासी लॉन्ग है, तो इसलिए हमने साथ में बहुत सारा नाश्ता सब कुछ लाया है, जो हम पूरे ट्रेन पर खाते हुए पीते आराम करते हुए गए हैं। हमारी ज़्यादातर जो सीटें थी सारी अपर सीटें थी, तो हम लोग सब आराम से ऊपर बैठ कर गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आराम से साइड अपर सीट पर बैठ गई हूँ एंड अपना नाश्ता कर रही हूँ, फ्राइड चूड़ा एंड बादाम। ये जर्नी हमारी लगभग 30 घंटे की थी, तो हमने पूरे रास्ते अपने सारे नाश्तों को हक लगाया, आराम से खाते चाय पीते। जैसे कि अभी देख सकते हो चाय वाले भैया जा रहे हैं, तो ऐसे चाय पीते आराम से हम लोग ट्रेन पर झूमते झामते गए। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जर्नी थी, ये मेरे लाइफ की पहली जर्नी थी जो हमने साथ में की और इतने लंबे टाइम तक की। यानी कि ट्रेन पर मैं इससे पहले मैक्सिमम 8 घंटे के लिए बैठ चुकी हूँ, मैं जब बिहार से वाराणसी गई थी, बट ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेन पर इतने घंटे के लिए बैठी थी। लगभग 30 घंटे हो गए थे हमारे जम्मू तभी पहुँचने में। एंड ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे मम्मी पापा के साथ, खासकर मैं और मम्मी पापा और दीदी बहुत बार घूम चुके हैं, बट हम दोनों घर से बाहर जल्दी निकलते नहीं हैं। तो आप समझ लो ये मेरे लाइफ की पहली ट्रिप है विद फैमिली एंड विदाउट फैमिली। तो इसलिए ट्रेन पर हम लोग बहुत सारे नाश्ता लेकर आए थे, लाइक निमकी पकवान, फ्राइड चूरा, एंड खाने में हम लोगों ने लाया था भुंजिया और आलू का भुंजिया और पूरी, सत्तू के पराठे, ये सारी चीज़ें हम लेकर आए थे। और इसके साथ हम साथ में कंबल भी लेकर आए थे, क्योंकि वेदर अभी आप देख सकते हो ठंडी हो गई है एंड ट्रेन पर तो ऐसे भी ठंडी लगती है, क्योंकि हमारा स्लीपर क्लास था, एसी क्लास नहीं था। क्योंकि हमने सोचा कि ठंड में जा रहे हैं तो एसी नॉन एसी का कोई फ़ायदा नहीं है, बजट फ्रेंडली होना चाहिए बस हमारा ट्रिप, तो इसलिए हमने स्लीपर में टिकट काटा था। तो ट्रेन पर ये पहला दिन है जब रात हो चुकी थी एंड हम लोग सब ने खाना खा लिया जो हम लोग लेकर आए थे, पूरी भुंजिया एंड सत्तू के कचौड़ी। तो ये हम सब ने खा लिया एंड फिर सब लोग जाकर सो गए। तो
ट्रेन पर जल्दी नींद तो नहीं आती है, और ख़ासकर हमारी फ़र्स्ट टाइम थी ये ट्रिप, तो ट्रेन पर नींद आने में थोड़ी टाइम लगी हमें, बट हम लोग सो गए थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना विंडो सीट बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से हर किसी को विंडो सीट पसंद है, बट हमें ना लोअर सीट मिला नहीं था, जिसके वजह से हमें विंडो सीट नहीं मिली। तो या तो हम ऊपर बैठकर ही ट्रैवल किया हमने, जैसा कि आप देख सकते हो मैं ज़्यादातर टाइम ऊपर अपर सीट पर ही थी, लेटी हुई सोई हुई। वैसे भी इतने लंबे घंटे की जर्नी मैंने कभी की नहीं थी, तो ज़्यादातर टाइम मैं सो कर लेट कर ऐसे ही बिताया मैंने। एंड ट्रेन पर एक बड़ा इशू ये होता है कि नेटवर्क नहीं होता हमारे फ़ोन में, तो बड़ा ही बोरिंग लग रहा था। प्लस सबकी सीट अलग अलग थी, मैं सिर्फ अकेली थी अपने कंपार्टमेंट में, बाकी सारे लोगों की सीट अलग अलग थी, तो जब हमें खाना होता था तब हम साथ आ जाते थे। तो फाइनली हमें विंडो सीट मिली, लेकिन जब हम ट्रेन से उतरने वाले थे तब लुधियाना या फिर लुधियाने से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। फाइनली हम लोग जम्मू पहुंच गए थे, और जम्मू हम लोग पहुंचे थे नेक्स्ट डे लगभग 1 से 2 बजे, हाँ 2 बजे के आसपास हम लोग जम्मू पहुंच गए थे। ट्रेन थोड़ी लेट हुई थी, बट हम लोग दिन में ही पहुंच गए थे, रात नहीं हुई। तो आप सोच सकते हो कि 10 बजे हम लोग ट्रेन पर बैठे और अगले दिन 2 बजे के आसपास हम लोग ट्रेन से उतरे थे। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये जम्मू का क्लिप है, जब जम्मू में हम एंटर किए थे हमने, तो ये बनाया था। एंड ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन हमारी जम्मू तवी में रुकी, जम्मू तवी में उतरने के बाद हमें कटरा जाना था, तो कटरा जाने को बस अवेलेबल थी, ट्रेन भी थी, टैक्सी भी थी, कैब भी थी, बट हमने लिया टेम्पो। उसके पीछे का रीज़न ये था कि ट्रेन का हमें आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था ट्रेन कब है, कितने बजे है। प्लस हमारे पास सामान बहुत ही ज़्यादा था और ज़्यादातर लोग लेडीज हम लोग थे, तो इसीलिए हम लोग ट्रेन पर नहीं गए, हम लोगों ने सोचा कैब लेने को या बस लेने को। बट मेरी मम्मी और दीदी दोनों को मोशन सिकनेस होता है, उन्हें कैब कार या फिर बसेस में उल्टियाँ होती हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऑटो बुक किया। ऑटो से होटल पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटे लगे। एंड होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिनर किया एंड सारे लोग सो गए, क्योंकि हम लोगों की 2 दिन की जर्नी थी तो सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। अगली मॉर्निंग हम लोगों को चढ़ाई शुरू करना था, तो मैं आपको होटल का छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो ये हमारा होटल है जिसमें हमने एक रूम बुक किया था, जिसमें एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था, और अलग से एक मैट्रेस दिया गया था। बट इतनी ज़्यादा ठंडी थी इसलिए कोई भी नीचे नहीं सोना प्रेफर किया किसी ने भी, तो एक बेड पर हम 3 लोग सोए थे एंड बाकी सिंगल बेड पर पापा सोए थे। तो ये मेरा रूम है जिसमें आप देख सकते हो बेड है, सोफ़ा है एंड एक बालकनी है, एंड बालकनी के बाहर का जो व्यू है वो काफ़ी मस्त है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी सनराइज़ हो रहा है, मॉर्निंग के 6 बजे थे, 6:30 बजे थे लगभग इस टाइम पे, तो हम लोग सारे जग के तैयार हो गए थे, दर्शन करने हमें जाना था। तो अभी देख सकते हो ये जो नज़ारा है ये बहुत ही भव्य और सुंदर है, और यहीं से आपको रूम की बालकनी से माता रानी का दरबार दिख जाएगा, दरबार नहीं कह सकते हो, रास्ते जो हैं जहाँ से आप होकर चढ़ाई करते हो वो दिख जाएंगे आपको। तो ये देखकर ना दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति सुकून मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो मैं तो बहुत बार बालकनी आती थी और देखती थी और काफ़ी अच्छा लगता था दिल को। और हमारा 3rd फ्लोर पे रूम था तो व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो इसके बाद हम लोग नीचे गए एंड ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और हम लोग निकल गए। और ये जो कैब है ये होटल से ही 150 रुपया होटल वालों ने लिया एंड ये कैब हमें मिला जो हमें डायरेक्ट बाणगंगा ले जाएगी। तो कैब पे सारे लोग बैठ गए एंड हम लोग फिर निकल गए दर्शन करने के लिए। चलो चलो।
तो हमारे होटल से लगभग वानगंगा की दूरी 3 किलोमीटर थी। तो हम लोग थोड़ा आगे चलने के बाद एक जगह रुके थे जहां हमने RFID यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया। आपके लिए ये कार्ड ज़रूरी है अगर आप यात्रा करने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो माता के। इस कार्ड को आपको पूरे टाइम अपने पास रखना होता है एंड वापस जब आप यात्रा करके आ गए हो देन आपको ये कार्ड रिटर्न करना होता है। तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वो आपसे आपका पिन कोड मांगेंगे एंड आपकी एक पिक्चर लेंगे एंड आपको ये कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड को आपको अपने पास रखना है पूरे यात्रा के लिए एंड वापस लौटते वक्त इसको रिटर्न कर देना है। तो हमें बहुत ही आसानी से ये कार्ड मिल गया था क्योंकि अभी का जो सीज़न था इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर। कार्ड लेने के बाद हमने ये जय माता दी वाली माथा पट्टी ली एंड सबने इसको बांध लिया। तो ये 10 रुपये में 4 मिली थी हमें, काफ़ी सस्ती थी। एंड इसको बांध कर हम लोगों ने अपने अपने लिए एक लाठी ली एंड इसके बाद यहाँ से यात्रा स्टार्ट की। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद, चुनरी या फिर लाठी वगैरह ले सकते हो। तो आप कुछ और लो या नहीं लो, लाठी ज़रूर लेना अगर आप पैदल चढ़ाई करने वाले हो। तब लाठी से चढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने भी बस एक एक लाठी ली और चलते बने। तो चलो चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। सबको बांट रहा है, माता जी का कॉइन है, घर में देना है क्या? पर शाम में सबको 10 रुपए का क्या बांट रहे हैं? चल पानी का बोतल नहीं मिलता, हम भी 5-10। है अर्धकुमारी का नज़ारा। हमारा लक अच्छा था कि जिस दिन हम लोगों ने चढ़ाई की उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था। नवंबर में हम लोग गए थे और लगभग पूरी टाइम यहाँ पे धूप थी, काफ़ी अच्छी धूप थी, गर्मी का एहसास होने लग गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए थोड़ी जो ठंड है वो बढ़ती चली गई। तो ये अर्धकुमारी से आप देख सकते हो कितना मतलब सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य। जो कटरा शहर है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये जो पहाड़ है सब कुछ बहुत ही सुंदर है। यहाँ जब आप आओगे तो आपको दिल से शांति मिलेगी एंड दिल मन तन सबको शांति मिलेगी। थोड़ी सी आपको परेशानी होगी बट अपनी माँ के लिए, माता के लिए आपको इतना तो करना ही होगा। तो यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर यहाँ से आगे की चढ़ाई शुरू की। तो यहाँ के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा थकने लग गए थे। तो हमारा होश नहीं था कि हम वीडियो वगैरह बना सके, तो इसलिए आपको शायद इसके बाद ज़्यादा क्लिप ना मिले। एंड जब हम लोग भवन में दर्शन के लिए पहुँचे तो वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो बहुत पहले ही मैंने फ़ोन को रख कर
लॉकर में डाल दिया था, इसीलिए क्लिप ना के बराबर है मेरे पास। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर करते रहूँगी, आप बस नज़ारे देखते रहना वहाँ के। एंड मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो भी YouTube फैमिली है, मैं सबके लिए ये प्रे करना चाहूँगी कि आप लोगों को भी माता अपने पास बुलाएं, आप लोगों को भी उनका दर्शन करना नसीब हो जल्दी से जल्दी, और आप सभी के परिवार में, आपकी लाइफ में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए और अच्छा स्वास्थ्य आप सभी को मिले। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। तो ये क्लिप है तब का जब हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए, इसके साथ भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। दर्शन करते करते हमें लगभग रात हो गई थी एंड ये आप देख सकते हो, ये हम पीक पर आए हुए थे, पहाड़ का जो पीक होता है उस पर आए हुए थे और यहाँ से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। तो इसके बाद हम लोग नीचे उतर कर आ गए एंड ये थोड़ा सा जो क्लिप था ये कटरा मार्केट का था। तो इसके बाद हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, एग्जॉस्टेड थे, तो हम सब सीधे डिनर करके सो गए। एंड इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है जब मैं और दीदी नेक्स्ट मॉर्निंग जा रहे थे सुबह चाय पीने। तो एक्चुअली जिस धर्मशाला में हम रह रहे हैं ये एक होटल है और इसका नाम धर्मशाला है, बट ये होटल जैसा ही है। यहाँ पर आपको नाश्ता, खाना पीना, दो टाइम की चाय सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी आप होटल के लिए पे करोगे उसमें। सुबह जगने में हमें थोड़ी लेट हो गई थी जिसके वजह से हमारी चाय स्किप हो गई थी। चाय की जो टाइमिंग थी वो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक की थी, बट हम लोग उठ नहीं पाए थे उतने सवेरे क्योंकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे। तो इसलिए मैं और दीदी दोनों बाहर चाय की एक टपरी लगी हुई थी वहाँ पर चाय पीने आए थे, और आज का मौसम काफ़ी ठंडा था। इसके जस्ट एक दिन पहले हमने जिस दिन चढ़ाई की उस दिन पूरे दिन काफ़ी अच्छी धूप थी, बट अगले ही दिन बिल्कुल भी धूप नहीं उगी एंड मौसम काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो इसके बाद हम लोग चाय पीकर वापस गए, हम लोग थोड़े फ्रेश हुए एंड इसके बाद 12 बजे के आसपास हमें हमारा लंच मिल गया। तो हम लोग लंच खाने के लिए नीचे आ गए एंड इस दिन हम लगभग दिन भर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम सब। लंच में आप देख सकते हो हमें ये सब खाने को मिला था, काफ़ी अच्छा यहाँ का खाना था, टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सिंपल था, तो मुझे खाना यहाँ का खाकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड शाम के टाइम पर हम लोग निकले थे, मैं और दीदी, मम्मी पापा ऑलरेडी बहुत थके हुए थे तो वो लोग बस रेस्ट कर रहे थे पूरे दिन होटल में। एंड मैं और दीदी, हमें मन नहीं लगा, हम लोगों ने सोचा यार घूमने आए हैं तो फिर घूम लेते हैं, रेस्ट तो बाद में भी कर लेंगे। तो मैं और दीदी कटरा मार्केट निकले जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और दीदी ने रूही के लिए शॉपिंग की एंड मैंने बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड वापस हम लोग होटल पे आ गए। आते वक्त हमें बीच में कुछ कुछ खाने की चीज़ें मिली। देखिए तो अच्छा से दिखा, क्या क्या डाले हैं भैया, दिखाइए तू जरा क्या क्या डाल रहे हैं। टमाटर वगैरह हर चीज़ डालिए मिक्सचर। अच्छा, हर एक चीज़ डाले हैं। हाँ, हरी मिर्ची, मिर्ची डालनी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, कोई बात। थोड़ा दिखा दीजिए भैया, टेस्टी होगी ना, टेस्टी होगी ना। हाँ, खा के देखो। थैंक यू। अच्छा, ये वाली दूसरी कौन सी चाहिए? दूसरी बिना टमाटर की दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट डे भी बीत गया रेस्ट करते हुए, घूमते फिरते। एंड इसके अगले दिन हम लोग लोकल कटरा घूमने के लिए निकले
एंड ये आप देख सकते हो सब लोग कैसे सो रहे हैं। इसके अगले दिन हम लोग कटरा में एक माता का और मंदिर है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि माता ने सबसे पहले वहीं पर विश्राम किया था एंड वहीं पे पहला दर्शन माना जाता है। तो इस जगह हम लोग गए थे। अच्छा भीड़ है यहाँ रोड कितनी दुकान। तो घूम घाम कर वापस हम लोग होटल पे आ गए, खा पी कर निश्चिंत हो गए एंड अगले दिन की पैकिंग करने लग गए। तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। यहाँ से जाते वक्त लग रहा था जैसे हमारी विदाई हो रही है अपने मायके से, ऐसी हमारी फीलिंग हो गई थी। एंड आज भी धूप काफ़ी अच्छी थी एंड शायद मुझे अपने होटल से हिमालय दिख रहा था, तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग तैयार होने लग गए क्योंकि हमारी ट्रेन चार बजे थी, तो होटल से निकलने में टाइम लगने वाला था एंड पहुंचने में भी 1 से 2 घंटे की टाइम लगने वाली थी। तो इसलिए सुबह में हम लोगों ने खाना पीना खा लिया, लंच कर लिया 12-1 बजे तक एंड इसके बाद सब लोग रेडी हो गए एंड निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिहार के लिए। तो चलो निकलने से पहले मैं आपको अपने होटल का भी एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर हम लोगों ने 3 दिन रुककर खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ किया एंड यहाँ की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी औसम है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको मॉर्निंग में चाय, इवनिंग में चाय मिल जाएगी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा एंड रात को डिनर मिलेगा। और यहाँ का व्यवस्था आप देख सकते हो, यहाँ पर टेबल चेयर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, यहाँ पर प्लेट्स खाना सब कुछ लगा हुआ है। आपको आना है, अपनी प्लेट्स उठानी है, खाना अपने तरीके से परोसना है या फिर लोग आपको दे भी देंगे एंड इसके बाद खाना खाना है, पानी लेना है एंड बर्तन को जाकर रख देना है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था और ये खाना इंक्लूडेड था होटल के बिल में, आपको अलग से खाने का बिल नहीं देना था, ना ही खाने का ना ही चाय का। तो सिस्टम यहाँ का जो था बहुत ही अच्छा था और यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वाद से भरा हुआ था। तो होटल से निकलकर हम लोगों ने कैब बुक किया, कैब भी हमारे होटल वालों ने ही मंगाती थी हमारे लिए एंड जाते वक्त हम लोगों ने ऑटो सेफ़ नहीं समझा, कैब ही बुक किया। ऑटो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी लेना, हम लोगों ने ऑटो लिया क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, बट ऑटो सेफ़ नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसलिए हम लोगों ने कैब लिया एंड फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। तो हमें कटरा से जाना था जम्मू, तभी वहीं से हमारी ट्रेन थी। तो स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन हमारी ऑलरेडी लगी हुई थी, तो ट्रेन पर हम लोग जाकर बैठ गए, बट ट्रेन खुली 1 घंटे बाद एंड इसके बाद फिर से हमारी लगभग 24 घंटे की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो 24 घंटे हमने फिर से ट्रेन पे बिताए, तो समझ लो आपके 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ ट्रेन पर गुजारा। एंड एज यूजुअल हमारी जर्नी स्टार्ट हुई चाय से, तो चाय से ही हमारी जर्नी मतलब अच्छी बनी, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चाय पिया। तो आते वक्त तो हम लोगों ने खाना ले लिया था बनाकर, तो हमें आसानी हुई खाने में, बट जाते वक्त हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, बस वही फ्राइड चूड़ा, निमकी पकवान, ठेकुआ, यही सब था। हाय टाटा, जय माता दी, जय माता। अरे बाप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त जर्नी में हमारे पास खाने को कुछ नहीं था जिससे हम पेट भर सके, तो इसीलिए हमने IRCTC से खाने के लिए ऑर्डर किया था और हमें ये वेज प्लेटर मिला था।
तो हम लोग 4 आदमी थे और हमने 2 प्लेटर ही लिया क्योंकि हमें पता नहीं था खाना कैसा है, किसको पसंद आएगा किसको नहीं। तो हमने बस ये 2 प्लेटर लिया जिसमें आपको था चावल, करी, मटर पनीर की सब्जी एंड आलू सोयाबीन की सब्जी। तो खाना खाने लायक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, खाने लायक था। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप खा सकते हो, ऐसा खाना था। तो हमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट किया था होटल में बस हम लोग वही खाए थे एंड इसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था। तो रात को लगभग 9:30 बजे हम लोगों ने ये वेज थाली मंगवाई एंड इसमें 2 या 4 रोटी थी जिसमें मिला जुला कर हम चारों लोगों ने खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा पेट हमने भर लिया। एंड इसके बाद जैसे हम लोगों ने डिनर ओवर किया, ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लग गई, तो हमारा बैठना, बाथरूम जाना, खड़ा होना सब कुछ बंद हो गया। तो मैं आपको बताऊं तो मैं इसके बाद मतलब रात में मैं बाथरूम गई एंड इसके अगले दिन लगभग 4-5 बजे शाम तक मुझे या किसी को भी ट्रेन में चलने तक का जगह नहीं मिला, इतनी ज़्यादा ट्रेन में भीड़ थी। तो ट्रेन से आने वक्त की जो जर्नी थी वो बहुत ही बेकार थी, मतलब इतनी ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा था हमें, ना हम बाहर जा रहे थे ब्रश करने, ना हम बाहर जा पा रहे थे बाथरूम, ना हमें खाना खाने को मिल रहा था सही। तो इसीलिए बस जैसे तैसे हम लोगों ने अपनी जर्नी कंप्लीट की एंड फिर वापस हम लोग अपने घर आ गए एंड घर आने के बाद हम लोगों ने खिचड़ी बनाई एंड खिचड़ी खाकर पेट भरा और बस यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी की भी इच्छा है कि आप वैष्णो देवी माता के पास जाओ या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं माता रानी से विश करूँगी उनके लिए कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए एंड जल्दी से जल्दी आप लोग माता रानी के दर्शन कर पाओ और आपकी जो भी अंतर मन से इच्छा हो, विशेष हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हों उनकी सारी विशेष पूरी करें माता रानी एंड उनके परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य, समृद्धि सब लेकर आएँ। तो चलो आप लोग भी बोल दो जयकारा माँ शेरा वाली दास सच्चे दरबार की जय, जय माता रानी।